ओके सो ऑल राइट गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब? होप कर तो सारे ठीक और मजे कर रहे हो। भाई आज अपने ब्रेकफास्ट में थोड़ा चेंज है क्योंकि घर वाले गए बाहर। एक्चुअली मैं घर पे होके भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज गैस चालू नहीं कर सकते। आज ऐसे ना कि आज पूरा दिन ठंडा खाना होता है, बट नॉट नेसेसरी फॉर ऑल। घर पे नहीं, चाय बन सकती है, चाय दूध हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। भाई आज का ब्रेकफास्ट है अपना ये नील डोसा, जो कि बहुत ही हल्का होता है, बहुत ही पतला होता है, और ये प्लेट से भी बड़ा है। एक्चुअली प्लेट से ऑलमोस्ट डबल होगा या उसके आसपास। ये 4 times फोल्डेड है और उसमें भी बीच में फोल्ड है। एंड यस गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, जय श्री कृष्णा। तो भाई मैं अभी नीचे उतरा था, क्रोमा में गया था मैं, मेरे एयरपोर्ट्स मैंने वहाँ पे सबमिट किए थे वो लोग के थ्रू, क्योंकि मैंने वहाँ से खरीदे थे। तो क्रोमा का ये पॉलिसी अच्छा है कि अगर आपने उनसे खरीदा है कुछ भी, तो आपको सर्विस सेंटर्स पे धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उनके पास लेके प्रोडक्ट सबमिट कर सकते हो, दे विल लुक आफ्टर एवरीथिंग देन। तो भाई मैंने अपने एयरपोर्ट सबमिट किए वहाँ पे, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड से आ रहा था आवाज़ कम, और उसका केस भी है ना भाई, वो क्रोमा वालों ने भी देखा, उन्होंने फोटो वीडियो लिया है वहाँ पे, केस की बैटरी लिटरली 1% है और वहाँ पे ग्रीन लाइट इंडिकेट कर रहे हो। ग्रीन लाइट मतलब बैटरी सफिशिएंट है। जब बैटरी 20 या 15 बिलो जाती है तो वहाँ पे ऑरेंज इंडिकेटर शो होता है बैटरी एलईडी लाइट पे। वहाँ पे ग्रीन कैसे हो रहा था, एक तो सबसे पहले वो सवाल था, वो पता नहीं अब कैसे हुआ, उन्होंने फोटो वीडियो लिया है। और दूसरा, क्रोमा में मेन गया था इसके लिए कि जब मैंने रात को एयरपोर्ट्स प्रो चार्ज किए मेरे, कुछ 9800 कुछ हो गए थे, और सुबह उठ के जब मैंने कनेक्ट किए तो 1%। मैं जब बाहर जा रहा था तो मैं नीचे उतर के देखा कि कितना परसेंट चार्जिंग है, तो भाई सीधा 1%, मतलब बिना यूज़ किए बैटरी सीधा ड्रेन भाई। तो मैं वहाँ से सीधा क्रोमा में गया, मेरा काम निपटा के वहाँ पे सबमिट किया, और अभी वो लोग ने रिटर्न दिया, बोले हमने डायग्नोसिस किया है। वो लोग एक्चुअली सर्विस सेंटर पे देते, वो लोग खुद कुछ नहीं करते। तो सर्विस सेंटर वालों की रिपोर्ट मैंने देखी, वो लोग ने लिखा था कि वो लोग ने डायग्नोसिस किया है, पूरा क्लीन करके दिया है। जब रिटर्न आया मैंने देखा डायग्नोसिस तो कुछ किया नहीं था, क्लीन भी नहीं किया था भाई वो लोग ने। तो मैंने फिर से रीसबमिट करवा दिया है वहाँ पे, अब देखते हैं क्या है। वो लोग बोले अब हम दूसरे सर्विस सेंटर पे देखेंगे, सर्विस सेंटर के साथ हमारा पहले भी इश्यूज हुआ है, तो वी विल सबमिट टू एन अनदर सर्विस सेंटर। तो लेट्स सी अब क्या इसका निकल के आता है सोल्यूशन। आई होप अब जल्द से जल्द ठीक हो जाए भाई, मेरे को भी यूज़ करना है। तो चलो भाई अब जाते हैं घर पे, मेरा लंच बाकी है भाई आज, और ठंडा खाना है। तो ठंडे में मैं क्या करूँ, सैंडविच हो सब है भाई, मैदा तो बिल्कुल नहीं खा सकते, ब्राउन ब्रेड सिर्फ नाम का ब्राउन है उसमें भी होता मैदा, ये एसेंस डाल देते वो लोग सिर्फ ब्राउन करने को। तो मैं घर पे जाके चलो देखता कुछ बनाना वगैरह खा लेगा। तो भाई चलो आ गया मैं अभी घर पे, मैं बाहर थोड़ा काम में था, मैंने आज लंच भी काफ़ी लेट किया, मैं मेरे बुआ के घर जाके लंच कर लिया था, क्योंकि हमारे घर पे आज सारा ठंडा था खाना और उसमें ब्रेड वगैरह था, तो सैंडविच खा सकता था मैं, बट मैदा क्यों ही खाऊँ, मैदा तो मैंने बिल्कुल नहीं खाया पिछले कुछ दिनों से भाई, 1% भी नहीं, कहीं भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया मैदा मैंने भाई, तो नहीं खाया तो क्यों ही खाऊँ मैदा। सुबह मैंने डोसा खा लिया था थोड़ा, फिर सीधा 4-5 बजे लंच किया, और अभी मेरे को भूख नहीं है इतनी, तो देखते हैं आज रात को भी मोस्टली नारियल पानी पी के ही अपन सो जाएंगे, या भूख लगी तो देखते थोड़ा सलाद वगैरह कुछ खा लेंगे, ज़रूरी नहीं है कुछ चीज़ डाल के भी खा लेगा भाई, मैं तो हेल्दी फैट्स भी तो चाहिए, ये बहाना बोल के खा लेगा। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, महीने में 1-2 बार खाओगे ना, 1-2 क्यों चलता है, घर पे बना के कुछ भी खाओ सब चलेगा, भले चीज़ घर पे नहीं बनता बट सलाद वगैरह तो घर पे ही बनाते हैं अपन। ठीक है महीने में 1-2 बार, यार इतना भी खुद को ऐसा पनिश नहीं करना अपने को डाइट बोल के, 1-2 बार खाओ, स्लो रिजल्ट आएंगे चलेगा, बट माइंड वो होना चाहिए फ्रेश। फिर कैसा होएगा ना कि आप चीट डे जैसा कुछ करोगे ही नहीं, तो आपके अंदर से भूख बढ़ती जाएगी कि एक दिन तो मैं खाएगा, और एक दिन ऐसा खाएगा कि राक्षस ऐसा, फिर वो एक दिन आएगा ना, एक दिन महीनों तक एक दिन चलते रहता है भाई, ये मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो उससे अच्छा बीच में 1-2 दिन का भी खा लेने का थोड़ा कुछ, अभी तक तो मैंने खाया नहीं है क्योंकि मेरा मन नहीं होता है, तो लेट्स सी आगे कैसा सिचुएशन क्या होता है, बट कोशिश अपनी यही रहेगी कि अपन ना ही खाए। हाय, और आज रात को मैंने डिनर में क्या खाया है ये मैं आप लोगों को शॉर्ट्स में दिखाएगा, कल से मेरे शॉर्ट्स चालू हो जाएंगे फिर से, इतने दिन दिक्कत हो रही थी क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी, तो कुछ रिकॉर्ड करता था तो कुछ मेरे को डिलीट कर देना पड़ता था, आज मैं शॉर्ट्स बनाएगा पूरा ठीक से, और आप जब तक ये वीडियो देखोगे उससे दिन पे एक शॉर्ट वीडियो आ जाएगा। तो चलेगा इस यही पे आज का वीडियो खत्म करते हैं, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।